हाय गाइस, दिस इज शिव फ्रॉम ऑटो रॉक्स। लेट्स स्टार्टेड विद द वीडियो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो किस बारे में होने वाला है उसकी बात कर लेते हैं। सो वीडियो होने वाला है ऑन नेक्सॉन डार्क और एल्ट्रॉस डार्क का वीडियो ऑलरेडी चैनल पे लाइव हो चुका है। सो आप जाके देख सकते हो और आई बटन में भी आप चेकआउट कर सकते हो। सो सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब कर देना और लाइक आप बाद में भी दे सकते हो वीडियो अच्छा लगा हो तो। सो वीडियो से स्टार्ट करते तो हम सबको पता है कि डार्क एडिशन पे टाटा बहुत दिनों से वर्क कर रहा था और ये चार गाड़ियाँ जिन पे टाटा वर्क कर रहा था ऑन डार्क एडिशन। सो स्टार्ट करते हैं नेक्सॉन से। सो नेक्सॉन की डार्क एडिशन बहुत ही कूल लगता है और एक अलग सा ही रोड प्रेजेंस आपको प्रोवाइड करेगा ऑन द इंडियन रोड्स, बिकॉज इसमें जो स्टाइलिंग है वो बहुत ही सुंदर लगती है और लाइक अ बीस्ट ये कार लगेगी ऑन रोड्स। सो फ्रंट लुक, एक्सटीरियर इंटीरियर में क्या क्या चेंजेस हुए उसकी बात करेंगे इन द वीडियो। सो फ्रंट से स्टार्ट करते हैं। सो फ्रंट से आप देख ही सकते हो, आपको दिखेगा ऑल न्यू तो नहीं बोल सकते, बहुत ही अच्छा इसमें एलिमेंट्स दिए हुए हैं फ्रंट में। और स्किड प्लेट आपको सिर्फ सिल्वर में मिलने वाली है और एक हेडलैम्प्स के साइड से रन करती हुई लाइन, बाकी आपको सब डार्क में मिलने वाला है। आपको हिल भी डार्क में मिलने वाली है इन द नेक्सॉन। और साइड लुक की बात करें तो साइड लुक में आपको विंडो के नीचे जो लाइन है वो बहुत ही सुंदर दिखती है लगती है और वो नेक्सॉन की स्टार्टिंग से वो लाइन बहुत ही सुंदर दिखती है और नेक्सॉन। और इसके एलोविल्स में भी चेंजेस हो चुके हैं, तो इसके 16 इंच के आपको एलोविल्स मिलेंगे इन द कार। बैक लुक की बात करें तो बैक लुक में कुछ ज़्यादा चेंजेस हुए नहीं है, स्किड प्लेट आपको मिलने वाली है और जो टेल लैम्प्स के बाजू में जो एलिमेंट दिए हुए वो भी बहुत सुंदर दिखते हैं इन द नेक्सॉन, और जो कि ग्रेइश कलर में आपको दिखेंगे इन द डार्क एडिशन। और जैसे कि हमने बात की कि साइड में डार्क की बैजिंग आपको मिलने वाली क्योंकि डार्क एडिशन है, सो ऑलमोस्ट इन कार आपको बहुत सारे डार्क की बैजिंग मिल जाएगी, #dark ऐसा। और विंडो के नीचे जो लाइन है वो बहुत ही सुंदर दिखती है और अपीलिंग लुक देती है साइड से नेक्सॉन में, और ये ग्रीस कलर में होने वाली है ये लाइन। सो यूनिक लगेगी ये लाइन दूसरी कार से। और साइड में आपको डार्क की बैजिंग मिल जाएगी जो कि बहुत ही अच्छी दिखती है, क्रोम में आपको दिखने वाली है ये डार्क की बैजिंग। और इसकी व्हील्स की बात करें तो इसके व्हील्स आने वाले 16 इंच के और जो कि ब्लैक होने वाले, टिंट ब्लैक बोल सकते हो आप, जो कि बहुत ही सुंदर दिखते हैं। और ये न्यू एलॉय व्हील्स है, इसकी डिज़ाइन है वो न्यू है, अभी जो नेक्सॉन में आते हैं व्हील्स रेगुलर नेक्सॉन में वो इससे डिफरेंट दिखते हैं। और इंटीरियर में क्या चेंजेस हुए, तो इंटीरियर में आपको ऑल ब्लैक इंटीरियर मिलने वाला है इन द नेक्सॉन। आपको फ्लैट बॉटम स्टेयरिंग व्हील मिलने वाला है, इट्स इवेंट्स, और इसमें फिजिकल बटन सब निकाल दिए गए हैं टाटा की तरफ से। आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलने वाला है इन द कार, फिर डिफरेंट टाइप ऑफ मोड भी आपको दिखेंगे इन द कार। और बैक की बात करें तो बैक ये इंटीरियर की बात करें तो ऑल आपको सीट्स भी ब्लैक मिलने वाली है, रूफ भी आपको पूरी तरीके से ब्लैक मिलने वाला है इन द कार। और सीट के हेडरेस्ट पे भी आपको डार्क की बेजिंग मिल जाएगी #dark की, जो कि बहुत ही सुंदर दिखती है और आपको एक अपीलिंग लुक मिलेगा, बट ये गर्मी में थोड़ी परेशान कर सकती है बिकॉज ऑफ ब्लैक इंटीरियर्स, बट उसकी भी चिंता नहीं क्योंकि इसमें एक्सप्रेस कूलिंग आता है, सो आप फट से गाड़ी कूल कर सकते हो इन द समर। और फ्रंट और सीट्स की बात करें तो सीट का कंफर्ट बहुत ही अच्छा है इन द नेक्सॉन, और इसकी सेफ्टी तो टॉप मोस्ट आपको मिलने वाली है, बट आपको इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल सीट्स नहीं मिलती। और एसी वेंट के बाजू में जो एलिमेंट दिए गए वो बहुत ही सुंदर दिखते हैं और जो कि आपको सिल्वरिश फिनिश में मिलने वाले हैं, जो कि ऑन द डैशबोर्ड को अलग ही लुक देगा। और डोर के साइड में भी आपको एक यूनिक सी एलिमेंट्स दिखने को मिलने वाले हैं और जो कि फैब्रिक में होने वाले हैं, लेदर में आपको नहीं मिलने वाले हैं। और इसके साथ कुछ एक्स्ट्रा एक्सेसरीज भी आती है, जैसे कि आपको पंचर रिपेयर किट मिल जाएगी, सो आप खुद से ही पंचर को रिपेयर कर सकते हो ऑन हाईवे या इन रोड्स, सो आपको किसी को भी बुलाने की ज़रूरत नहीं है सर्विस को, आप खुद ही रिपेयर कर सकते हो पंचर को। और इसके साथ कुछ मर्केंडाइज भी आने वाले हैं, जो कि जैकेट्स आपको मिलने वाले हैं, टी शर्ट्स जो कि डार्क की बैजिंग के साथ होने वाले हैं,
और ऐसे डिफरेंट डिफरेंट कार्स के साथ आपको मिलने वाले हैं ये मर्केंडाइज, जिसको हम गुडीज भी बोलते हैं। और स्क्रीन की बात करें तो इसमें टच स्क्रीन 8 इंच की आती है, जो कि फ्लुएंट तो नहीं है बट इट्स ओके। और इसमें आयरा कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी भी आने लगी है अब, जो कि एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कार प्ले से कनेक्ट होगी, बट वायरलेस नहीं है ये, वायर के साथ आपको कनेक्ट करना पड़ेगा दोनों चीज़। और इंजन ऑप्शन में क्या चेंजेस हुए, तो इंजन ऑप्शन में कुछ भी चेंजेस नहीं हुए, आपको वही इंजन मिलने वाले हैं, आपको डीजल भी मिलेगा, आपको पेट्रोल भी मिलेगा इन द नेक्सॉन, जो कि सेगमेंट में बहुत ही अच्छा इंजन माना जाता है अकॉर्डिंग टू इस सेगमेंट। प्राइस की बात करें तो प्राइस आपको कुछ 44,000-45,000 की डिफरेंस देखने मिल सकता है, और ये डिपेंड है ऑन योर सिटी, आप कौन सी सिटी में रहते हो उधर की प्राइस एक्सशोरूम प्राइस क्या है उसके ऊपर डिपेंड करेगी, और ये जो प्राइस है वो अकॉर्डिंग टू दिल्ली आपको दिखने मिलने वाली है। और अभी भी दो गाड़ी पे वीडियो बनाना बाकी है, सो नेक्सॉन ईवी एंड हैरियर डार्क के ऊपर वीडियो बनाना बाकी है, सो उसके लिए सब्सक्राइब करना पड़ेगा हमारी चैनल को, और वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा तो गिव अ लाइक एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, इंस्टाग्राम फेसबुक और टेलीग्राम ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हो लिंक के थ्रू। सो तब तक के लिए फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम फेसबुक सब्सक्राइब ऑन यूट्यूब टर्न ऑन द बेल आइकन फॉर मोर वीडियोस, और हमारी सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या तो आई बटन में आप चेकआउट कर सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।